यहोशु अध्याय 18। यहोशु अध्याय 18। फिर इसराइलियों की सारी मंडली ने शिलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इसराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशु ने इसराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब लोग ढिलाई करते रहेंगे? अब प्रतिगोत्र के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आए, और वे देश के 7 भाग लिखे हैं। यहूदियों तो दक्षिण की ओर अपने भाग में और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे, और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन की पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं, और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहां तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। तो वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी कि जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहां शिलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शिलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शिलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वहीं यहोशू ने इसराइलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया, और बन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुल के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा, और उनका उत्तरी सिवाना यरदन से आरंभ हुआ, और यरीहो की उत्तर अलंग से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकला। वहां से वह लूज को पहुंचा, जो बेतल भी कहलाता है, और लूज की दक्षिण अलंग से होते हुए निचले बेथोरोन की दक्षिण ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोदार को उतर गया, फिर पश्चिमी सिवाना मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसकी दक्षिण ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यतबाल नाम यहूदियों के एक नगर पर निकला, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम का सिवाना यही ठहरा, फिर दक्षिण अलंग का सिवाना पश्चिम से आरंभ होकर किर्यत्यारीम से सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंचा, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरा जो हिमनोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नाम तराई की उत्तर ओर है, और वहां से वह हिमनोम की तराई में अर्थात यबूसी की दक्षिण अलंग होकर एनरोगेल को उतरा। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गया जो अदुमीम की चढ़ाई के सामने है, फिर वहां से वह अबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गया। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की अलंग से होते हुए अराबा को उतरा। वहां से वह सिवाना बेथोग्ला की उत्तर अलंग से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर के कोल में यर्दन के मुहाने पर निकला। दक्षिण का सिवाना यही ठहरा, और पूरब की ओर का सिवाना यर्दन ही ठहरा। बन्यामीनियों का भाग 4 ओर से सिवानों सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और बन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोग्ला, एमेकेसिस, पेत्राबा, समारेम, बेतेल, अबीम, पारा, ओप्रा, कपरमुमनी, ओमनी और गेबा।
ये 12 नगर है और इनके गांव मिले, फिर गिबोन, रामा, बेरोथ, मिसपे, कपिरा, मोसा, रेकेम, इरपेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस, जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किरियत ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बन्यामिनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा।